इसको आप लोग जरा भी हल्के में ना लें, ये बहुत भयंकर बीमारी है, जो एक वायरस आया है। लोग भीड़ समूह में ना रहें, शादी ब्याह जितना हो सके अवॉइड करें। जहाँ पे हिंदुस्तान में भी मृत्यु होना शुरू हो गई, कर्नाटका में हुई और आज सुबह में एक दिल्ली में मृत्यु हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूँ शिवम कुमार। कोरोना कितना भयंकर है और इससे कैसे लड़ा जाए, इसको लेकर गोरखपुर के सांसद और फिल्म स्टार रवि किशन ने एक बड़ी बात कही है। जिस तरह भारत में कोरोना से हुए मौत के बाद रवि किशन भी दहशत और डर में हैं, शनिवार को यानी कि आज पटना हवाई अड्डे पर रवि किशन पहुंचते हैं और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं और लोग खुद भी इसको लेकर थोड़ी एहतियातन बरतें। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं गोरखपुर के सांसद रवि किशन। कोरोना को लेकर जो चेहरा आपका इस तरह से दिखता था, हंसता हुआ नूरानी चेहरा था, अब चेहरा ढकने की बारी आ गई। बिकॉज बहुत चिंता की बात है। मैं समस्त बिहार, मैं अभी बिहार की धरती पर हूँ, मैं बिहार के धरती पर आकर अपने सभी चाहने वाले को कहूँगा और पूरा देश मुझे सुन रहा है कि इसको आप लोग ज़रा भी हल्के में ना लें। ये बहुत भयंकर बीमारी है, जो एक वायरस आया है, इसमें सफाई की बहुत ज़रूरत है। हाथ आप लोग ज़्यादा धोते रहें जितना भी हो सके। भीड़ में ना इकट्ठा हों, रेलवे स्टेशन हो, बस में हो, सिनेमा हॉल तो अब अक्सर हर राज्य में बंद ही हुआ है। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि कृपया आप लोग भीड़ समूह में ना रहें, शादी ब्याह जितना हो सके अवॉइड करें। ये एक ऐसी बीमारी है जो जहाँ पे हिंदुस्तान में भी मृत्यु होना शुरू हो गई, कर्नाटका में हुई और आज सुबह में एक दिल्ली में मृत्यु हुई। तो आप लोगों से मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मास्क पहने, मास्क नहीं रुमाल लगाएं। छींक आ रही है तो आप ऐसे छींकें ना कि किसी के मुंह पर छींक दें, ना किसी के शरीर पर छींकें। कृपया अपना ध्यान रखें। जहां आपकी नाक बहने लगी, सर में दर्द हुआ, जहां आपकी आँख सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तुरंत जाके आप अपना तुरंत मेडिकल, सरकार ने हर जगह पे, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने व्यवस्था मुहैया करवाई है, जाके अपने आप को चेकअप करें, आइसोलेट कर दें, अपने आप को एकांत में रखें। अगर आपको लगता है आप में डिटेक्ट हो रहा है तो डॉक्टर्स आपको खुद ही बता देंगे। लेकिन जहां आपको सर दर्द है, बुखार है, आपको खांसी आ रही है, नाक बह रही है और सांस लेने में तकलीफ़ है, ये तुरंत आप लोग इमीडिएटली समय ज़ाया ना करते हुए डॉक्टर से जाकर। रवि जी, आप एक्टिव मेंबर हैं पार्लियामेंट के, प्रधानमंत्री ने भी एडवाइजरी जारी की है, क्या निर्देश आप लोगों को दिए गए? हम लोगों को कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां आप संपर्क में आते हैं वहां जाके जानकारी आप लोग तुरंत दें। उन्होंने कहा है कि आप लोग एक तो देश से बाहर कोई नहीं जाएगा, उन्होंने निवेदन किया है पूरे देश से। शादी ब्याह समूह भीड़, रेलवे स्टेशन, बस इलाका, ग्रुप, मंदिर, मस्जिद, भजन कीर्तन जितना है कुछ समय के लिए सब अवॉइड करें। केंद्रीय नेतृत्व कितना तैयार है? केंद्रीय नेतृत्व कितना तैयार? हम लोग बहुत ज़्यादा तैयार हैं, नहीं तो आप भगवान की, महादेव की कृपा है कि ऐसा कुछ बुरा ना हो। 130 करोड़ की आबादी में 84-85 लोग डिटेक्ट हुए हैं और उसमें अभी 2 मृत्यु हुई। लेकिन हम लोगों ने बहुत, हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी, इसकी अवेयरनेस बहुत पहले से देने लगी। मेडिकल, हमारे हर्षवर्धन जी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो रोज़ इस पर बैठक ले रहे हैं, रोज़ चर्चा हो रही, सदन में हम लोगों ने पार्लियामेंट में इसकी चर्चा की और हम लोग, केंद्र सरकार पूरी तरह सचेत है, राज्य सरकार को पूरा निर्देश दिया गया है, मेडिकल डिपार्टमेंट पूरी तरह आदेश पे चल रहा है, क्या करना है, सरकार पूरी तरह तैयारी। बिहार आया है, बिहारियों सभी पार्टियों ने कार्यक्रम रद्द कर दिया, क्या अभी अपना कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं? हम सभी कार्यक्रम, हम क्षेत्र में जाने का कहें कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ आती है, हमको देखने मिलने आती है, क्षेत्र के लोग आते हैं, तो हम वो सारे कार्यक्रम अपने नहीं तो हम पार्लियामेंट के बाद वहाँ जाते। आज हमारे एक मित्र की, हमारे एक बहुत अच्छे कलाकार मित्र नरेंद्र झा, बहुत अद्भुत कलाकार थे, बिहार माटी के, मधुबनी जा रहे हैं, उनकी आज पहले पुण्यतिथि है, तो आज हम उनके लिए, अपने मित्र के लिए आए हैं। मेरे बहुत करीबी मित्र थे, उनका देहांत हो गया बहुत कम उम्र में, तो आज हम उनके लिए मधुबनी जा रहे हैं। बिहार आए हैं तो भोजपुरी में किस तरीके से? यह काम के भैया और हुआ लोगों से हाथ जोड़ के निहोरा बार निवेदन बांटे, समस्त अपन समाज से, हमारे भोजपुरिया समाज से, अपन भोजपुरिया माटी से, अपन सेहत का ख्याल रखी, एक ना हो करुणा बा, कुछ ना होला, ये सब हल्के में ना ली, ये बीमारी बाटे और ये तुरंत शरीर में ये कीड़ा घुसा ला, घुसते के साथ पूरा जितना भी मल्टी ऑर्गन बाटे
ओकरा के ही खत्म कर दी और मृत्यु तुरंत होती है। तो आप रउआ लोगन से सबसे निवेदन बा, निहोरा बाटे कि अपन ख्याल रखी और सेहत का ख्याल बहुत जरूरी बाटे, माई बाबू का ख्याल रखी और सफाई रखी, जितना बेर हाथ जोड़बा और सबसे हाथ जोड़ के मिला, ऐसे वो हाथ मिलाई वो जो रहे वो सिस्टम बंद अभी देश में। हमनी के जो वैदिक पद्धति बा, हमनी के संस्कार बाटे, वो हाथ ऐसे जोड़ के सबसे मिलल जाए। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।